केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्त होने के पहले देश में कोरोना से सबसे ज्यादा ग्रस्त मुंबई दिल्ली समेत 13 शहरों की व्यापक समीक्षा की है। इनमें देश के 70% कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए राहत की खबर है। देश के 13 सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों की लिस्ट में इन राज्यों का एक भी शहर शामिल नहीं है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और इन 13 सर्वाधिक प्रभावित शहरों के नगर निगम आयुक्तों के साथ बैठक कर स्थिति की व्यापक समीक्षा की है। कैबिनेट सचिव की इन शहरों के नगर निगम आयुक्तों के साथ गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 जून के बाद लॉकडाउन के अगले चरण को लेकर फैसला किया जाना है। माना जा रहा है कि इन 13 शहरों में लॉकडाउन जैसी ऐसी स्थिति रहेगी। बैठक में जिन 13 सर्वाधिक प्रभावित शहरों को लेकर नगर निगम आयुक्तों के साथ समीक्षा की गई उनमें मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, नई दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर शामिल है। देश के कई राज्यों में टिड्डियों के प्रकोप ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी है। टिड्डियों ने राजस्थान में करीब 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बर्बाद कर दी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी कई जिले इससे प्रभावित हो चुके हैं। अब इसका खतरा बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव को सशर्त मंजूरी देते हुए इसके लिए 2 कंपनियां तय की है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने टिड्डी नियंत्रण के लिए राजस्थान को 14 करोड़ और गुजरात को 1.80 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार राजस्थान के 20 जिले, मध्य प्रदेश के 18, पंजाब का 1 जिला, गुजरात के 2 जिलों के अलावा महाराष्ट्र में भी टिड्डी का प्रकोप है। फरीदाबाद स्थित वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय लगातार निगरानी कर रहा है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की अपील को दोहराते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच हालिया तनाव पर पीएम मोदी का मिजाज ठीक नहीं है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में रिपोर्टरों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन के बीच बड़ा संघर्ष चल रहा है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री को काफी पसंद करता हूं, वे एक शानदार इंसान है। क्या भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर वे परेशान है? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, भारत और चीन के बीच काफी संघर्ष है। दोनों देशों में करीब 140 करोड़ की आबादी है। दोनों मुल्कों के पास काफी शक्तिशाली सेनाएं हैं। भारत खुश नहीं है और संभवतः चीन भी इस तनाव से खुश नहीं है। उन्होंने कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। जो कुछ भी चीन के साथ सीमा पर चल रहा है उसमें उनका मिजाज अच्छा नहीं है। दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है लेकिन चीन ने इस पर आखिर कैसे काबू पाया ये अब भी रहस्य बना हुआ है। भारतीय वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन ने अपनी हर्बल चिकित्सा में मुलेठी के इस्तेमाल से इस बीमारी पर काबू पाया हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने आयुष विभाग के साथ मिलकर मुलेठी का कोविड रोगियों पर परीक्षण आरंभ कर दिया है। देश के कई केंद्रों में ये परीक्षण शुरू हो चुके हैं। मुलेठी के इस्तेमाल को लेकर कई तथ्य सामने आए हैं। 2003 में जब SARS शुरू हुआ था तब फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी का एक शोध पत्र लैंसेट में प्रकाशित हुआ था जिसमें मुलेठी को SARS वायरस के खिलाफ काफी प्रभावी पाया गया। 2 फरवरी में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन ने कोविड उपचार में अपनी जिस परंपरागत दवाओं को इस्तेमाल किया था उसमें मुलेठी भी शामिल थी। कोविड के 87% रोगियों को ये दवा प्रदान की गई जिससे वे स्वस्थ हुए। CSIR के वैज्ञानिक डॉक्टर राम विश्वकर्मा के अनुसार चीन में कोरोना संकट के दौरान मुलेठी की खपत में बढ़ोतरी देखी गई। उम्मीद है कि यह दवा कोविड उपचार में उपयोगी हो सकती है। एशियाई देशों में भारत अब सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश बन गया है। देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 7,000 के करीब मामले सामने आने के बाद भारत ने तुर्की को पीछे छोड़ दिया है। कोविड-19 आंकड़े देने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में गुरुवार तक 1,60,310 कोरोना केस आ चुके हैं जो किसी भी एशियाई देश के मुकाबले ज्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,58,333 हो गई जबकि इससे मरने वालों का आंकड़ा 4,531 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमित एशियाई देशों की सूची में 2 नंबर पर तुर्की है।